Hello to all. Today we will be discussing database management system. In today's world, where everything is being done online, online काम करने के लिए उसके बैक एंड पे डेटा ज़रूरी होना चाहिए. जिस तरह आप फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई और ऑनलाइन प्रोडक्ट जो आपके पास ऑनलाइन सर्विस आपके पास होती है जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन सर्विसेज खरीदते हैं, वहाँ उस वेबसाइट को या उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बैक एंड पे डेटा ज़रूरी होना चाहिए. अब वो जो डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, दैट इज़ वेरी एनॉर्मस. उस एनॉर्मस डेटा को कहीं पे सेव करना, मैनेज करना, अपडेट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. उस डेटा को मैनेज करने के लिए वी यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है वो हम देखेंगे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये डेटाबेस क्या होता है. जब व्हेन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेटाबेस, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ डेटाबेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. रिलेटेड डेटा का मतलब होता है जो एक जैसा, जहाँ पे एक डेटा की रिलेशनशिप दूसरे डेटा के साथ हो सके. फॉर एग्जांपल, अगर आप कस्टमर डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं, उसमें कस्टमर का नाम होगा, आईडी होगा, उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, अगर वो मॉल की डेटाबेस होगी या मॉल का डेटा होगा, उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा डेटा नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, उस कस्टमर का एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो तो उस वहाँ का एम्प्लॉय है नहीं. तो उस डेटाबेस में या उस सिर्फ उन कस्टमर्स की डिटेल्स होंगी जो कस्टमर्स वहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे, या जितने भी होलसेलर्स होंगे जो इनको कस्टमर्स प्रोवाइड कर ये सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी डिटेल सिर्फ उसमें होगी. तो हम कह सकते हैं वो जो डेटाबेस होगी दैट विल बी द डेटा ऑफ दैट मॉल और ऑफ दैट शॉप, जिसका डेटा उस डेटाबेस में हम या उस रिपोजिटरी में हम रख रहे हैं. सिंस आई अर्ली मैंशनड दैट द डेटा विच इज़ बींग यूज बाई दीज ऑनलाइन सर्विसेज इज़ वेरी अनॉर्मस, इतने सारे डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए. एक आदमी या एक ह्यूमन इसको डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकता. अब वो सॉफ्टवेयर विच मैनेज द डेटा इन साइड द डेटाबेस इज़ नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये यूज़र से डेटा लेता है, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्मेट में वो किसी भी कंप्यूटर या किसी भी हार्डवेयर के ऊपर किसी भी मेमोरी यूनिट में सेव किया जा सकता है. और जिस तरह डीबी डेटाबेस में डेटा को अरेंज किया जाता है वो हम आगे देखेंगे, किन तरीकों से हम डेटा को अरेंज करते हैं, ये वो ऑटोमेटिकली करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये जो DBMS सॉफ्टवेयर होता है, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है लेकिन जनरली हम उनको बोलते हैं DBMS सॉफ्टवेयर. जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं लेकिन फिर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है. फॉर एग्जांपल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इसी तरह DBMS सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली जो जनरल DBMS सॉफ्टवेयर हम कहते हैं उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है सबसे पहली, एज इट इज़ मैंशनड हेयर, एसिड प्रॉपर्टी. एसिड प्रॉपर्टी होता है, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, जहाँ पे DBMS के ऊपर अगर आप एटॉमिसिटी का मतलब, जब हम डेटाबेस के ऊपर एक यूज़र जो होता है बहुत सारे ऑपरेशंस इकट्ठे करता है, एक ऑपरेशन को बोलते हैं हम क्यूरी, और एक यूज़र जो होता है वो बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे ऑपरेशंस इकट्ठे करता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन. एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी बोलती है या तो उन ऑपरेशंस में से, यानी कि एक ट्रांजेक्शन में से जो जितने डिफरेंट ऑपरेशंस है या तो सब के सब हो जाएंगे या उनमें से कोई भी नहीं होगा, दिस इज एटॉमिसिटी. अनदर प्रॉपर्टी इज़ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया जब तक यूज़र अपनी डेटाबेस में कोई भी चेंज ना करे तब तक डेटाबेस में कोई भी चेंज नहीं आएगी. इसका मतलब डेटाबेस की स्टेट जो होती है वो कंसिस्टेंट रहती है, लेकिन ये जो किया जाता है ये DBMS की वजह से ही होता है. अनदर प्रॉपर्टी इज़ आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब DBMS सॉफ्टवेयर ये मैनेज करता है कि आपके जो ट्रांजेक्शन में ऑपरेशन होते हैं उनमें से अगर एक ऑपरेशन अकेले ऑपरेट करता है या वो बाकी ऑपरेशंस के साथ ऑपरेट करे, उसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इसका मतलब एन ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑपरेशंस इनसाइड ए ट्रांजेक्शन.
फाइनली यूजिंग एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड आइसोलेशन, डेटाबेस की जो स्टेट होती है वो ऐसी होती है कि वो उसके बाद हमारी डेटाबेस ड्यूरेबल बन जाती है. दैट इज़ इट कैन बी यूज इन एनी वेयर बाई एनी यूज़र, क्योंकि DBMS सॉफ्टवेयर जो होता है वो सब ऑपरेशन को मैनेज करता है. इसके अलावा द अनदर प्रॉपर्टी इज़ मल्टी यूज़र एंड कंकरेंट एक्सेस. DBMS सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी वजह से एक डेटाबेस मल्टीपल यूजर्स में शेयर की जा सकती है और उस पर कंकरेंट एक्सेस दिया जाता है, और जिसकी वजह से हम अलग अलग तरीके से एक ही डेटा, एक ही डेटाबेस का डेटा अलग अलग तरीके से अलग अलग यूजर्स को दिखा सकते हैं. उसको कहते हैं मल्टीपल वेव्स. दैट इज़ द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज़ अगेन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग DBMS सॉफ्टवेयर. लास्ट वन इज सिक्योरिटी. हम DBMS के जरिए ये तय कर सकते हैं कौन सा यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं. जिस तरह फॉर एग्जांपल जब आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, जिसकी वजह से आप अपनी डिटेल्स जो होती है उनको एक्सेस कर पाते हैं. तो DBMS सॉफ्टवेयर जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि कौन सा यूज़र लिजिटिमेट है और कौन सा यूज़र लिजिटिमेट नहीं है. मतलब जिसके यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होंगे सिस्टम में स्टोर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ वो लिजिटिमेट है, और दूसरा जिसके नहीं होंगे वो नहीं है. इसका मतलब DBMS सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट करता है. सो दीज वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अ डेटाबेस एंड व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में भी डेटाबेसेस यूज़ किए जाते थे, लेकिन तब हम डायरेक्टली कॉपी और पेन के जरिए डेटा को स्टोर करते थे. लेकिन उसकी मेन डिसएडवांटेज ये थी, अगर वो जो कॉपी या लेजर जिसको कहते हैं अगर वो जल जाती है या ख़राब हो जाती है, हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू स्टोर द डेटा. लेकिन कंप्यूटर के अंदर पहले डेटा जो स्टोर होता था वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स होता था, जिसको कहते हैं फाइल सिस्टम. लेकिन फाइल सिस्टम में भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी, जिसकी वजह से वी शिफ्टेड टुवर्ड्स यूजिंग डेटाबेस. लेकिन डेटाबेस को भी यूज करने के लिए वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जहां पे भी आप देखेंगे अब DBMS लिखा हुआ है, इसका मतलब वो डेटाबेस ही है, या जहाँ डेटाबेस लिखा होगा उस वहाँ मतलब है DBMS सॉफ्टवेयर. सो इनिशियली वी यूज डायरेक्ट लेजर सिस्टम्स, जहाँ कॉपी और पेन के जरिए डेटा को स्टोर किया जाता था. उसके बाद वी यूज्ड फाइल सिस्टम एंड नाउ वी आर यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन दिस टेबल इट इज़ एविडेंट दैट हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट देन फाइल सिस्टम. दैट्स व्हाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Till now we came to conclusion that the databases or the DBMS software with which we can access the data inside the databases is very important and is used nowadays. अब ये जो databases होते हैं इनकी applications क्या क्या होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है. It can be used in banking, airlines, universities. In short, जहाँ पर भी आप online services देखेंगे, चाहे buying and selling of products हो या buying and selling of services हो, वहाँ हम डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं. और डेटाबेसेस को यूज़ करने के लिए वी नीड टू यूज़ या वी नीड टू हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेव द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द स्टूडेंट्स. जिस तरह आपने यहाँ पे भी देखा होगा MITS में भी, जो भी आपका डेटा होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है. ऑनलाइन वो तभी अवेलेबल होगा व्हेन इट इज़ स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंड इज़ एक्सेस्ड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. So these are some of the applications of database management system or databases. Likewise, I told you there are, if we talk about operating systems, we have got multiple operating names of different operating systems in the market, like Windows operating system, Android operating system and so on and so forth. Similarly, jo DBMS softwares hote hain, wo bhi market mein bahut sare hote hain. For example, MySQL hai, Microsoft Access hai, jisko aapne chalaya bhi ho sakta hai, Oracle hota hai, isi tarah bahut sare DBMS सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिनको आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और इनको यू कैन सर्च देम ऑल्सो ऑन इंटरनेट सो एज टू चेक द डिटेल्स. नाउ यूजर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और द यूजर्स ऑफ डेटाबेस. जो भी वो लोग जो डेटाबेस को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं वो कौन कौन है. सबसे पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसकी डेटाबेस होती है. फॉर
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर MITS की डेटाबेस है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर एक होगा जिसको हम कहेंगे DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए या यूज़र एक्सेस देने के लिए, उसको हम बोलेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इन शॉर्ट वी कैन से द मेन person who owns the database is the database administrator. He is responsible for deleting or updating या ये totally database को start से end तक सबको delete भी कर सकता है या उसको रख भी सकता है या उसका backup भी उठा सकता है. ये भी इसी की responsibility होती है. Another user is a designer. जब भी हम डेटाबेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मॉल में या आप कॉलेज में की डेटाबेस की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे जब भी किसी यूज़र को डेटाबेस के अंदर डेटा डालना होता है या वहाँ से डेटा रिट्रीव करना होता है, रीड करना होता है, उसके लिए उसको नहीं पता कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग और राइटिंग डेटा इनसाइड अ डेटाबेस, जिसके लिए एक प्रोग्रामर होता है या एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होता है जो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड. वो फ्रंट एंड के ज़रिए हम कुछ फील्ड्स डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से जो लेमैन होता है या यूज़र होता है वो आसानी से उस डेटाबेस को रीड कर सकता है या राइट कर सकता है. सो दिस इज़ डिज़ाइनर जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्रामर होता है जो फ्रंट एंड डिज़ाइन करता है, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है जिसकी वजह से डेटाबेस को हम एक्सेस कर पाते हैं. एंड फाइनली द थर्ड टाइप ऑफ यूज़र इज़ द एंड यूज़र. एंड यूज़र वो होता है जिसके लिए डेटाबेस बनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर MITS की डेटाबेस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बनी है, एम्प्लॉयज़ के लिए बनी है, तो वो जितने भी एम्प्लॉयज़ है, स्टूडेंट्स है, ऑल दोज आर एंड यूज़र्स. और जिस यूज़र इंटरफेस की वजह से आपको उस डेटाबेस का एक्सेस मिलता है वो जिसने बनाया उसको डिज़ाइनर कहेंगे, और जो कॉलेज अथॉरिटीज़ होंगी उनको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कहेंगे. Whenever we have to deal with or access the databases, we need to use database management system software. अब database management system software use करने के लिए हमारे पास देखिए तीन चीज़ें हैं. एक तो database है और database management software है, और वो user है या उसकी machine है जिसकी वजह से वो इसको access कर रहा है. जिस तरह फिर से हम MITS की database की example अगर लेंगे, जहाँ पे आपका वो server जिसके ऊपर पूरी की पूरी database होगी वो एक होगी, उसके बाद आप एक client है, ठीक है, तो आपके पास अपना स्मार्टफोन होता है या लैपटॉप होता है तो उसको हम क्लाइंट कहेंगे जिसकी वजह से आप डेटा को एक्सेस कर पाते हैं. थर्ड वन इज़ द सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से आप अपना ये जो डेटाबेस होता है जिस उस डेटाबेस से आप डेटा को रिट्रीव या उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं. अब अगर ये तीनों चीज़ें एक ही मशीन के ऊपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सर्वर नहीं है, आपके पास क्लाइंट भी नहीं है, आपके पास एक ही मशीन है, उसी के ऊपर डेटाबेस भी है, वो सॉफ्टवेयर भी है, और वहीं से आप उस डेटाबेस को एक्सेस भी कर पाते हो, तब उसको कहेंगे वन टायर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. अनदर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज़ द टू टायर आर्किटेक्चर, जहाँ पे आपका डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही मशीन पे होगा, जिस मशीन को आप सर्वर कहेंगे, और जो क्लाइंट, जो एंड यूज़र जो डेटाबेस को यूज़ कर रहा है उसकी अपनी मशीन होगी. जिस तरह सिंपल एग्जांपल फिर से MITS की ही ले लेते हैं हम, जहाँ पे आप जो है क्लाइंट है, आपके पास अपना स्मार्टफोन है जिसकी वजह से आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन जो डेटाबेस है और जो उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर वो एक ही मशीन के ऊपर है जिसको हम सर्वर कहेंगे, तब ये जो आर्किटेक्चर कहलाया जाता है इसको कहते हैं टू टायर, क्योंकि यहाँ पे दो ही मशीन होती है, एक तो सर्वर होता है, दूसरा क्लाइंट होता है. अनदर इज़ द थ्री टायर आर्किटेक्चर, जहाँ पे फिर से क्लाइंट तो सेम ही रहेगा जिस तरह टू टायर आर्किटेक्चर में था, लेकिन यहाँ पे सर्वर विल चेंज. सर्वर में क्या होगा, यहाँ सर्वर दो मशीन्स में डिवाइड किया जाएगा. एक मशीन के ऊपर सिर्फ डेटाबेस होगी और दूसरी मशीन के ऊपर वो एप्लीकेशन होगी या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसकी वजह से हम डेटाबेस को मैनेज कर पाते हैं. तो अगर आपका डेटाबेस अलग मशीन पे है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग मशीन पे है, और क्लाइंट तो होता ही है अलग, तब आपके पास तीन मशीन्स है, तब उसको कहेंगे हम थ्री टायर आर्किटेक्चर. सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेटाबेस, एंड टू एक्सेस द डेटा इनसाइड डेटाबेस वी नीड टू यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी आर्किटेक्चर हमने देख लिए. अब हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ डेटा मॉडल.
Data model is actually the logical structure between the data stored inside a database. तो जो data होता है उस database के अंदर, उस data के बीच में जो relationships होंगी वो हम data model के जरिए represent कर सकते हैं. वो जो data models होते हैं DBMS के लिए या database के लिए, वो बहुत different types के होते हैं. For example, एक तो होता है ER model, entity relationship model, another is relational model, another is hierarchical model, network model, and last one is object oriented model. We will discuss them one by one. First model is ER model. ER model stands for entity relationship model. तो इस model के अंदर दो ही चीज़ें सिर्फ होती है, एक तो entities होती है और उन entities के बीच में जो relationships define होंगी वो सिर्फ होती है. Now what is an entity? Entity is the real world object जिसके different attributes होते हैं. For example, a student, it is an entity क्योंकि student का नाम होता है, उसका branch होता है, उसकी age होती है, उसका phone number होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को बोलेंगे हम attributes of that entity. Entity क्या है यहाँ पे? Student. तो इसी तरह students के बीच में या different entities के बीच में जो relationships होंगी वो भी हम define कर सकते हैं. For example, अगर MITS की या किसी college की एक database बनाएंगे हम, उस database में एक entity होगी students जिसके attributes होंगे name, ID या enrollment ID, branch, address, phone number, and the another entity will be faculty या जिनको हम teachers कहते हैं, क्योंकि उनके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे. फॉर एग्जांपल, उनका नाम, उनका एम्प्लॉय आईडी, उनकी सैलरी, उनका ब्रांच, उनका डिजिग्नेशन, दोज विल बी देयर एट्रीब्यूट्स. और रिलेशनशिप क्या होगी? रिलेशनशिप होगी फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी टू एम्प्लॉय एंटिटी और टीचर. और ये रिलेशनशिप क्या होगी? रिलेशनशिप होगी स्टूडेंट, और रिलेशनशिप होगी टॉट बाय, और यहाँ से दूसरी एंटिटी होगी टीचर. तो रिलेशनशिप होगी टॉट बाय. इस रिलेशनशिप में बहुत सारे, एक फैकल्टी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकती है, तो इस रिलेशनशिप में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और फैकल्टी एक होगा, जिसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी मतलब कितने एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं. और इस एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ डिस्कस की, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं एक फैकल्टी के पास, तो देर इज मल्टीपल, देर इज एन कार्डिनैलिटी. जब भी बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं उसको डिजिग्नेट करते हैं हम बाय एन, और जहां पे सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है उसको डिजिग्नेट करते हैं बाय वन. सो इन दिस एग्जांपल वेयर मल्टीपल स्टूडेंट्स आर टॉट बाय सिंगल टीचर और वन टीचर, उसकी कार्डिनैलिटी बोल सकते हैं हम, इट इज एन टू वन. ER diagrams can be represented diagrammatically. जिस तरह एक फ्लो चार्ट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और हर किसी सिंबल का अपना अपना मीनिंग होता है, उसी तरह ER diagram के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, एंटिटी और रिलेशनशिप, और तीसरी चीज़ उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स. तो इन तीन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जरिए के अंदर हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रोम्बस के अंदर रिलेशनशिप्स को उनके बीच में, और जो ओवल शेप्स होते हैं उनके अंदर एट्रीब्यूट्स. This is a simple example of ER diagram जहाँ पे हमारे पास तीन entities है, तो customer है, order है और product है. तीन entities क्यों है? क्योंकि customer के अपने attributes है, ID है, name है, status है, इसी तरह product का भी नाम, number है, address है, और so on and so forth. जबकि relationships दो ही हमने define की है, एक है places जहाँ पे एक customer मल्टीपल प्लेसेस से ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं जबकि कस्टमर एक ही होगा, तो कार्डिनैलिटी इज़ वन टू एन. सिमिलरली ऑर्डर और प्रोडक्ट के बीच में इंक्लूड होता है, मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस ऑर्डर में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हमने यहाँ इस रिलेशनशिप का नाम रखा है इंक्लूड्स. सो इन दिस ER डायग्राम वी हैव टू रिलेशनशिप्स, दैट इज प्लेसेस एंड इंक्लूड्स, एंड वी हैव थ्री एंटिटीज, कस्टमर, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट. Another data model is the relational data model, या simply आप कह सकते हैं relational model. This model is very important as the most of the databases are implemented using this data model, that is relational model. इस relational model में क्या किया जाता है? आपका data जो होता है databases के अंदर वो in the form of tables represent किया जाता है, जिसके अंदर, table के अंदर multiple rows होते हैं और multiple columns होते हैं.
हर कोई रो जो होता है इट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर एंटिटी, जिस तरह आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, जो रो जहाँ एसआईडी 1101 है वो रिप्रेजेंट करता है एलेक्स को, जिसकी एज 14 है, एस क्लास 9 है और एस सेक्शन ए है. तो ये इसी तरह दूसरा रो मारिया को रिप्रेजेंट करता है, सो ऑन सो फोर्थ. सो एवरी रो रिप्रेजेंट्स वन एंटिटी. इस रो को हम टपल भी कहते हैं. एंड अनदर इज सेट ऑफ कॉलम्स. जितने भी कॉलम होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी के होते हैं, जो हमने ER मॉडल में डिस्कस किए थे. तो एस आई डी, एस नेम, एस एज, एस क्लास, एस सेक्शन आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज एंटिटीज, जो यहाँ पे एंटिटीज हैं. एंटिटीज यहाँ पे हैं एलेक्स, मारिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी यहाँ है. तो टपल्स जो होंगे वो डिफरेंट एंटिटीज होंगे, और जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उन टपल्स के का बिहेवियर होगा, या उनकी फंक्शंस होंगी, या उनके एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली हम कह सकते हैं. तो एक ऐसा डेटा मॉडल जहाँ पे हम रोज और कॉलम्स के जरिए अपनी डेटा, अपना डेटा या अपनी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करें, उसको कहते हैं हम रिलेशनल डेटा मॉडल. हायरार्की डेटा मॉडल इज अनदर मॉडल, जबकि ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसको भी हमें पता होना चाहिए है क्या. यहाँ पे हमारे पास जो एक हायरार्की मेंटेन की जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू अप. जहाँ पे देखो इस जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, जो कॉलेज एंटिटी है वो डिपार्टमेंट के साथ रिलेट की जाएगी और डिपार्टमेंट कॉलेज के साथ. अब कोर्स वाली एंटिटी कॉलेज के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं की जाएगी. कोर्स वाली कोर्स एंटिटी विल बी रिलेटेड टू डिपार्टमेंट एंड देन डिपार्टमेंट विल बी रिलेटेड टू कॉलेज. तो यहाँ पे कॉलेज जो है वो एक लेवल पे है, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे लेवल पे है, कोर्स टीचर और स्टूडेंट तीसरे लेवल पे है. तो एक ऐसा डेटा मॉडल जहाँ पे आप अपने डेटा को जो डेटाबेस के अंदर होगा उसको लेवल वाइज मेंटेन कर सकते हैं और लेवल बाय लेवल रिलेशनशिप्स आपस में डिजाइन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम हायरार्किकल मॉडल. अनदर इज नेटवर्क डेटा मॉडल. ये भी हायरार्किकल मॉडल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हायरार्किकल मॉडल जैसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. जहाँ पे हायरार्किकल मॉडल में रेस्ट्रिक्शन ये थी कि अपर लेवल से लोअर लेवल, इमीडिएट लोअर लेवल पे ही रिलेशनशिप हो सकती है, उसके बाद जो होगा उनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगी. जबकि नेटवर्क मॉडल में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी एंटिटी किसी भी एंटिटी के साथ रिलेटेड हो सकती है. जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी लेवल, कोई भी एक पर्टिकुलर सिंटेक्स या पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन नहीं है इन एंटिटीज के बीच में. फाइनल डेटा मॉडल इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जहाँ पे आप एंटिटीज जो होती है वो नॉर्मल एंटिटीज नहीं होती, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द रियल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लास, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यू कैन रिमेंबर दिस. सो दिस वॉज द सिंपल इंट्रोडक्शन for database management system and the various concepts, basic concepts which are being used there. The rest of the topics will be covered in the next lecture. Thank you.